इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप AKTU यूनिवर्सिटी में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 एंड 21 का कैसे फिल कर पाएंगे ऑडिट सेमेस्टर का। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने पीसी या मोबाइल में ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे erp.aktu.ac.in या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर ऊपर आपको अपना यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड फिर यहां फिल करना है और फिर आई एम नॉट रोबोट पर टिक करके आपको सही का निशान यहां पर लगा लेना है। फिर इसके बाद आप यहां से लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा है तो यहां पर जो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या फिर इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो लॉगिन होने के बाद आप मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां पर आपको जो AKTU इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लिखा है इसको आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड, इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग डेट लिखा है और इन डेट लिखे है, जो 28 अक्टूबर 5:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और 21 नवंबर 2020 को ये बंद हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर एक्शन ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको गो ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को पर आप क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको एक इशू बताया था कि अभी तक AKTU से जो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम है ये सही से यहाँ पर इस जिस सेमेस्टर का हमने फॉर्म ओपन किया है वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ थर्ड ईयर का फॉर्म ओपन किया तो यहाँ पर उस सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट कोड है वो लिखे हैं और सब्जेक्ट नेम भी लिखा है और कौन सा पेपर टाइप है ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप अपने सारे जो एग्जाम के पेपर हैं वो चेक कर लेंगे, इधर कोड है, ये सब्जेक्ट है। सारे कोड चेक करने के बाद यहाँ पर जो आयोग सेतु ऐप लिखा है इस पर अगर जो आपने मोबाइल में आयोग सेतु ऐप है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। इसी में आप कैरी और पेपर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है कैरी ओवर सब्जेक्ट, इस ऑप्शन में आप जिस सेमेस्टर का कैरी ओवर फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सेमेस्टर को आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पहला सेमेस्टर सिलेक्ट किया, फिर मेरा ब्राउजर एक बार रिफ्रेश होगा और फिर वो सब्जेक्ट आ जाएंगे जो सब्जेक्ट में हमारे बैक लगे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर BP 104T और BP 103T में हमारे बैक लगे हैं, तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप यहाँ से सारे पेपर और सब्जेक्ट को चेक करने के बाद नीचे जो सबमिट बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले एक डिटेल्स आपको और फिल करनी है, वो डिटेल्स है कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अपने ERP लॉगिन में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ जो सबमिट एग्जाम फॉर्म है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपसे मांगेगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं, तो इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका ब्राउजर रिफ्रेश होगा, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हम जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका अभी अटेंडेंस BP 505T सब्जेक्ट में नहीं लगा है, तो अपने कॉलेज से जाकर अपना अटेंडेंस इस सब्जेक्ट में लगवाएं, तब इनका फॉर्म ये अपडेट होगा। और अगर आपके सारे अटेंडेंस कॉलेज से लग चुके हैं तो आप जैसे सबमिट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आप वहां पर भी क्लोज का ऑप्शन होगा तो आप वहां पर क्लोज करेंगे और फिर गो टू मेन डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पेमेंट किया जाता है। Thanks for watching this video.